Hello everyone. So today we are going to start capital gains, right? So we have done three heads of income. We have done income from salaries, we have done income from house property, we have done income from PGBP. Now today we will start income from capital gains, right? First of all, मैंने आपको already बहुत बार बता चुका है ये चीज कि capital gain में कौन सा income आता है, profit or loss on sale of asset, right? लिखिए. As per section 45(1), chargeability section, सब पहले head of income का मैं पहले chargeability बताता हूँ. Chargeability under section 45(1), ठीक है? Any profit or loss arising from transfer of capital asset will be chargeable to tax under the head capital gains in the previous year in which transfer took place, subject to exemption under section 54. 54 का पूरा सीरीज है, 54B, 54F, राइट, इस तरीके सीरीज है. सो काफी सारा चीज समझना है, राइट. प्रॉफिट लॉस हुआ है, ट्रांसफर का मतलब होता है सेल. हालांकि ट्रांसफर में और बहुत सारा चीज आता है, बट अभी तक सेल समझो, राइट. इनिशियल क्लासेस में आई विल गिव यू बिट इंट्रोडक्शन सम्स एंड देन वी विल गो इन डिटेल, राइट. सो एनी प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर मतलब सेल. क्या बेचा है हमने? एसेट बेचा है, ठीक है. अच्छा, इफ आई कम इन टू एसेट का डेफिनेशन, राइट, आई एम मेकिंग इट वेरी सिंपल. पहले हम लोग चैप्टर समझ जाते हैं एंड देन हम लोग फिर इसका एडवांस लेवल में जाएंगे, ठीक है. इफ आई टॉक अबाउट एसेट, ऑल आर एसेट्स एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स. कैपिटल एसेट, all are capital asset except few, stock in trade excluding, ये सब excluding है, right. all are assets except stock in trade. stock in trade purchase करके बेच रहा हूं, PGBP में जाएगा, ठीक है, PGBP. पर्सनल मूवेबल इफेक्ट, राइट. मैंने घर बेचा है, रेसिडेंशियल हाउस बेचा है, कैपिटल गेन होगा कि नहीं होगा? पर्सनल है, हाँ, कैपिटल एसेट होगा कि नहीं होगा? इज इट अ कैपिटल एसेट? अगर कैपिटल एसेट नहीं है तो नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड. अगर कैपिटल एसेट है तो टैक्सेबल अंडर दिस हेड. तो यहां पे लिखा है ना, पर्सनल मूवेबल इफेक्ट कैपिटल एसेट नहीं माना जाता, मतलब नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड. तो मैंने एक रेसिडेंशियल हाउस बेचा है, बताओ कैपिटल एसेट है कि नहीं है? है, पर्सनल है, लेकिन मूवेबल नहीं है ना, बिल्डिंग इमूवेबल है. सो इट इज नॉट क्वालिफाइंग द एक्सेप्शन, देयरफॉर इट इज अ कैपिटल एसेट. इज दैट फाइन? एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया, पाकिस्तान का एक विलेज में जहां कुल मिला के 250 लोग रहते हैं, एक छोटा सा गांव है वहां 250 लोग रहते हैं, वहां मेरी एक एग्रीकल्चरल लैंड थी,
मैंने उसको बेच दिया। बोलो कैपिटल एसेट है कि नहीं? एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया, यस और नो? बेटा रूरल एरिया ऑफ इंडिया होना चाहिए, मतलब एनी लैंड आउटसाइड इंडिया इज अ कैपिटल एसेट। यही अगर वेस्ट बंगाल के कोई गांव में जहां 400-500 लोग रहते हैं, वहां हमारी एग्रीकल्चरल लैंड है, सो इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया ऑफ इंडिया कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। हाँ, आउटसाइड इंडिया, इंडिया में नहीं है ना, आउटसाइड इंडिया, अर्बन लैंड हो एग्रीकल्चरल लैंड हो, इट इज अ कैपिटल एसेट। हटाया क्या गया है? एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया ऑफ इंडिया, पार्क स्ट्रीट में, पार्क स्ट्रीट, वहां पे मेरा एग्रीकल्चरल लैंड है, कैपिटल एसेट है कि नहीं है? इट इज अ कैपिटल एसेट बिकॉज लैंड इज नॉट सिचुएटेड इन रूरल एरिया, इट्स इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया किसको बोलते हैं? जहां पे म्यूनिसिपैलिटी के हिसाब से काफी ज्यादा लोग रहते हैं। मैं बताऊंगा आपको क्राइटेरिया, बट एज ऑफ नाउ सिंपल समझो, गांव और शहर। शहर में आपका जमीन है, कैपिटल एसेट। गांव में का आपका जमीन है, नॉट अ कैपिटल एसेट। ठीक है, मेरा एक गांव में एक बंजर जमीन है, मेरा गांव में एक बंजर जमीन है, उसको मैंने बेच दिया है, कैपिटल एसेट है कि नहीं है? है, बिकॉज एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है ना। लैंड हैज टू बी एग्रीकल्चरल पर्पस एंड इट हैज टू बी सिचुएटेड इन रूरल एरिया। हाँ, नहीं मिलेगा, ठीक है, इसलिए तो समझो चीज को, मेरे को तो प्रोविजन समझाना है ना। तो इन तीनों को छोड़ के बाकी सब कैपिटल एसेट है। इज दैट फाइन? हाँ या ना? हाँ बोलो। हाँ आइए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप खाली फटाफट देखेंगे, ठीक है? इफ कैपिटल एसेट से यस, यस मतलब कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा, यस और नो? हाँ, इफ कैपिटल एसेट से यस मतलब उसको बेच के जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा वो इसे हेड में टैक्सेबल है। सबसे पहला, रेसिडेंशियल बिल्डिंग कैपिटल एसेट है कि नहीं है? है। दीज आर एक्सेप्शंस, इनको छोड़ के बाकी सब कैपिटल एसेट है। समझ में आ रहा है? स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल मूवेबल एफेक्ट, एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया ऑफ इंडिया, इनको छोड़ के बाकी सब कैपिटल एसेट है। इज दैट फाइन? हाँ, तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग पर्सनल है बट मूवेबल नहीं है, यस और नो? है पर्सनल बट मूवेबल नहीं है, तो यस इट इज अ कैपिटल एसेट। तो अगर रेसिडेंशियल हाउस बेचेंगे तो कैपिटल गेन के हेड में टैक्सेबल होगा। फर्नीचर, बोलो कैपिटल एसेट है कि नहीं है? चलो पर्सनल ले लेते हैं, होम वाला फर्नीचर है, घर वाला, तो पर्सनल मूवेबल इफेक्ट हो गया, एक्सक्लूडिंग में है, नो कैपिटल एसेट नहीं है, तो इस हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। किस हेड में होगा? नॉट टैक्सेबल अंडर एनी हेड बिकॉज ये कैपिटल रिसीप्ट है, नॉट टैक्सेबल अंडर एनी हेड, एग्जेम्प्टेड नहीं बोल सकते, इट्स अ कैपिटल रिसीप्ट, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों, ठीक है? ऑफिस फर्नीचर कैपिटल एसेट है कि नहीं है? है, यस, मूवेबल है बट पर्सनल नहीं है, बिजनेस पर्पस में यूज किया ना। एग्रीकल्चरल लैंड इन पार्क स्ट्रीट, बोलो
कैपिटल एसेट है कि नहीं है? है, क्योंकि रूरल एरिया होना चाहिए। एग्रीकल्चरल लैंड इन विलेज ऑफ जर्मनी, विलेज मतलब रूरल एरिया हो गया, बट इंडिया का नहीं है, आउटसाइड है। यस, इट इज अ कैपिटल एसेट। सोच के बोलो बेटा, यस नो गेम मत खेलो। वेकेंट लैंड इन विलेज ऑफ इंडिया, यस, क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है ना, बंजर जमीन है। कितना एग्जाम्पल दो और बोलो, शेयर में समझ में आ रहा है? हाँ, स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है? रॉ मेटेरियल, फिनिश गुड्स, राइट। नंबर सेवन, ज्वेलरी, ड्रॉइंग्स, डी लिख रहा हूं, ज्वेलरी कॉमा ड्रॉइंग्स, पेंटिंग्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट, ये सारे दो ये पर्सनल मूवेबल हैं, बट ये कैपिटल एसेट माने जाते हैं। ये एक्सेप्शन का एक्सेप्शन है, तो ऑटोमेटिकली इट बिकम्स अ कैपिटल एसेट। इस एक्सेप्शन का एक्सेप्शन, तो ऑटोमेटिकली वो कैपिटल एसेट मान लिया जाएगा। ज्वेलरी, ड्रॉइंग्स, पेंटिंग्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट। पुराना जमाना में सिल्वर का थाली होता था, यूटेंसिल्स मेड अप ऑफ सिल्वर, यूटेंसिल्स मेड अप ऑफ सिल्वर, ज्वेलरी में आएगा वो। लूज डायमंड्स पड़ा है मेरा, ज्वेलरी में आएगा। पेंटिंग्स में ना मैंने गोल्ड से ऐसे स्प्रिंकल्स किया है, एनी वर्क ऑफ आर्ट। फर्नीचर में हमारे डायमंड्स लगे हुए हैं, मिरर में डायमंड्स लगा हुआ है, वर्क ऑफ आर्ट। तो ज्वेलरी, ड्रॉइंग्स, पेंटिंग्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट, ये दो पर्सनल मूवेबल हैं, बट कैपिटल एसेट माना जाता है। तो मेरा स्टॉक इन ट्रेड में आ गया ना, तो वैसे ही हट जाएगा। अगर हम ज्वेलरी का धंधा कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ज्वेलरी मेरा इसमें आ गया ना, स्टॉक इन ट्रेड में आ गया, राइट? इज दैट फाइन? समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल करो, बाकी सारे एसेट्स कैपिटल एसेट है। बिजनेस पर्पस हो चाहे रेसिडेंशियल पर्पस हो, यही सब हटाया गया है, इसके अलावा बाकी सब कैपिटल एसेट है। इज दैट फाइन मेरा बात? तो मैंने इनको बेचा है, यस और नो? एनी प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट विल बी चार्जेबल टू टैक्स इस हेड में इन द प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टू प्लेस। मतलब आज प्रीवियस, मतलब करेंट ईयर, करेंट ईयर में बेचा तो इसी साल इसका प्रॉफिट निकालो और टैक्स दे दो। इज दैट फाइन? एग्जेम्पशन क्या है? एग्जेम्पशन बोलता है, आपने मान लो, मैं बता रहा हूं एक दो टो एग्जेम्पशन, आपने घर बेच के घर खरीद लिया दूसरा, तो जो घर बेचा उसमें प्रॉफिट हुआ होगा, उससे आपने नया घर खरीद लिया, आपको टैक्स देने का दरकार नहीं है। ये एग्जेम्पशन है सरकार के तरफ से, यस और नो? आपने ज्वेलरी बेच के घर खरीद लिया, एग्जेम्पशन है, बट जो पहले जो वो अलग सेक्शन हो गया, पहले जो बोला था घर बेच के घर, वो सेक्शन 54 में कवर्ड है, और कोई चीज बेच के घर खरीदा वो 54F में कवर्ड है। कोई भी एसेट बेच के, कोई भी एसेट बेच के मैंने इन्वेस्टमेंट किया है कुछ बॉन्ड्स में, बताऊंगा कौन कौन सा बॉन्ड, एग्जेम्पशन मिलेगा आपको, सेक्शन 54EC। समझ में आ रहा मेरा बात? मैंने जिस साल, पहले देखना है कैपिटल एसेट है कि नहीं, मैंने जिस साल
मैंने जिस साल, बोलो मेरे साथ, मैंने जिस साल बेचा है, क्या बेचा है? स्टॉक इन ट्रेड? नो. पर्सनल मूवेबल इफेक्ट? नो. एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया ऑफ इंडिया? नो. मैंने क्या बेचा है? कैपिटल एसेट. उसका जो प्रॉफिट लॉस है, जिस साल बेचा उसी साल टैक्सेबल होगा. अब वो प्रॉफिट लॉस का कंप्यूटेशन कैसे होता है ये हम सीखेंगे. ठीक है, दो टाइप के कैपिटल एसेट होते हैं. एक होते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. इट डिपेंड्स अपॉन पीरियड ऑफ होल्डिंग, कितना दिन आप अपने पास एसेट रख रहे हैं. राइट, अगर कोई कैपिटल एसेट है ही नहीं तो वहीं पे चैप्टर खत्म हो गया. अगर कैपिटल एसेट है तो उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक करेंगे. 36 महीना या उसके पहले पहले बेच दिया तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माना जाता है. 36 महीना मोर देन 36 मंथ्स होगा तो लॉन्ग टर्म, लेस देन इक्वल टू 36 मंथ्स शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, मोर देन 36 मंथ्स लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. सर दोनों में डिफरेंस? दोनों का कैलकुलेशन इज डिफरेंट, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है. इज दैट फाइन? हाँ, समझ में आ रहा है? लेस देन इक्वल टू 36 मंथ्स शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट. उसको बेच के जो प्रॉफिट लॉस आता है उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बोला जाता है. मोर देन 36 मंथ्स उसको बेच के जो प्रॉफिट लॉस होगा उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बोला जाता है. तुम लोग डेप्रिसिएशन किया पीजीपीपी में? व्हेन ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट. तो डेप्रिशिएबल एसेट के केस में जो भी प्रॉफिट लॉस आता है वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म होता है. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, वहां पे लॉन्ग टर्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. सो डेप्रिशिएबल एसेट में अगर कैपिटल गेन आ रहा है तो आपको पता है कौन कौन से केस में आता है. व्हेन ऑल एसेट्स इन द ब्लॉक आर सोल्ड तो पॉजिटिव आए तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, भले ही उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 महीने से ज्यादा. डेप्रिशिएबल एसेट के केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक नहीं होता है. व्हेन ऑल एसेट्स इन द ब्लॉक आर सोल्ड लॉस आएगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, गेन आएगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. और व्हेन सेल प्रोसीड्स एक्सीड्स ओपनिंग डब्ल्यूडीबी प्लस एडिशन तो खाली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा. इज दैट फाइन? टाइप ऑफ कैपिटल एसेट समझ में आया? लेकिन कुछ कुछ एसेट के केस में 36 महीना नहीं 12 महीना 24 महीना देखा जाता है. वो कौन कौन सा केस है मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं अभी. इज दैट फाइन? हाँ आइए पीडीएफ निकालिए. ठीक है, देखिए यहां पे लिखा है शॉर्ट टर्म. अच्छा, पीरियड ऑफ होल्डिंग का सेक्शन याद रखिएगा 242A. पीरियड ऑफ होल्डिंग का सेक्शन याद रखिएगा 242A. राइट, एग्जाम में जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना तो ऐसे लिखेंगे POH अंडर सेक्शन 242A. जिस दिन खरीदा जिस दिन बेचा उसका गैप. राइट, इट मींस अ कैपिटल एसेट हेल्ड बाय एन एसएससी फॉर नॉट मोर देन 36 मंथ्स, मतलब लेस देन इक्वल टू 36 मंथ्स, और यहां पे ग्रेटर देन 36 मंथ्स. 12 महीना क्राइटेरिया चेक होता है, 36 महीना नहीं. कौन कौन सा? इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स, राइट. स्टॉक इन ट्रेड अलग चीज हो गया. स्टॉक इक्विटी को भी स्टॉक बोला जाता है बट ये वो स्टॉक नहीं है. राइट, हमने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए शेयर खरीदा है तो उसको बेचेंगे तो कैपिटल गेन लगेगा. इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स इन अ कंपनी, लिस्टेड का बात हो रहा है तो अनलिस्टेड यहां होगा 24 महीना में. बोला ना 12 महीना 24 महीना चेक होता है. लिस्टेड डिबेंचर्स, राइट. तो अनलिस्टेड कहां होगा? यहां तो है नहीं है तो अनलिस्टेड डिबेंचर यहां 36 महीना क्राइटेरिया में होगा. इक्विटी ओरिएंटेड फंड म्यूचुअल फंड होता है जिसमें मेजर
फंड का पैसा इक्विटी शेयर में लगाया जाता है, उसको इक्विटी ओरिएंटेड बोलते हैं। डेब्ट ओरिएंटेड, जिसमें मेजर फंड का पैसा डिवेंचर्स ऑफ कंपनीज में लगाया जाता है। बहुत सारे आदमी लोग क्या करता है, डायरेक्टली शेयर में इन्वेस्ट करने से डरता है, तो लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू दे इन्वेस्ट, राइट? या कोटेड और नॉट, दोनों मेंशन कर दिया। जीरो कूपन बॉन्ड कोटेड और नॉट, यूटीआई कोटेड और नॉट, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में, मतलब लैंड बिल्डिंग, उसमें 24 महीने का क्राइटेरिया चेक होगा, लॉन्ग टर्म 24 महीना के अंदर अंदर हुआ या 24 महीना हुआ तो शॉर्ट टर्म, इज दैट फाइन? कुछ समझने का नहीं है बेटा इसमें, याद करने का ही, और कुछ भी नहीं है। हम लोग जब सम करेंगे ना, वेन एवर वी डू सम, वी टेक रेफरेंस ऑफ दिस, देख लेंगे 36 महीना, 12 महीना की, 24 महीना। 24 महीना तो दो ही केस में, अनलिस्टेड शेयर्स होना चाहिए और लैंड एंड बिल्डिंग, खाली ये याद करना है 12 महीने का कौन कौन सा, बाकी सब 36 महीना क्राइटेरिया में जाएगा। लिस्टेड शेयर हमको तो याद भी हो गया, लिस्टेड शेयर, लिस्टेड डिवेंचर, ZCB, UTI, म्यूचुअल फंड, कोटेड और नॉट, ठीक है, इज दैट फाइन? यहां पे समझाया हुआ है। ज्वेलरी का कितना महीना चेक करेंगे बोलो, बताइए, 36 मंथ्स, वेरी गुड। तो देख लेंगे गैप, देख लेंगे कितना दिन हो रहा है, ठीक है। देखो जुलाई 14 से लेके मार्च 19, एग्जैक्टली काउंट करने का दरकार नहीं, बट मोर देन 3 मंथ्स दिख रहा है, मोर देन 3 इयर्स, सॉरी मंथ्स नहीं, 3 इयर्स, मोर देन 36 मंथ्स। लिस्टेड शेयर्स में क्या देखेंगे, 12 महीना, तो 7 जुलाई 16 में खरीदा, 18 अप्रैल में बेचा, तो मोर देन 12 मंथ्स हो रहा है, साफ दिख रहा है ना, प्रॉब्लम नहीं है। शेयर्स इन वाई प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड का कंपनी शेयर कभी भी लिस्टेड नहीं होता है, तो 24 महीने का क्राइटेरिया चेक होगा। रेसिडेंशियल हाउस, अब लैंड एंड बिल्डिंग 24 महीना चेक होगा, तो 78 से 2018 बहुत बड़ा है सर, मोर देन 24 मंथ्स। यूनिट्स ऑफ यूटीआई 12 महीना, जीरो कूपन बॉन्ड 12 महीना, ड्रॉइंग्स 36 महीना, अनलिस्टेड शेयर 24 महीना। बेटा प्लीज घर में खेल लेना, आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम हियर। इज दैट फाइन? मैंने आपको बताया था ना ट्रांसफर में सेल आता है, अभी ये सब चीज सीखेंगे बाद में, मैंने आपको पहले चैप्टर समझा देना है, चैप्टर में सम्स करवा देना है, उसके बाद ये सब सीखते रहेंगे। इज दैट फाइन? ये सब अभी नहीं देखना। अच्छा, अगर आप किसी को गिफ्ट करते हैं, लिख लीजिए कॉपी में, गिफ्ट इज एन एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। ठीक है, कॉपी में लिख लीजिए, गिफ्ट इज एन एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर। बेसिक बेसिक पॉइंट्स बता रहा हूं जो मेरे को अभी कैलकुलेशंस में काम लगेगा। कंप्यूटेशन का फॉर्मेट, इसको आप अपने कॉपी में कॉपी कर लीजिए। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का फॉर्मेट है, फटाफट कॉपी कर लीजिए।
पेन देना वहां रख दिया। फास्ट 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 जल्दी आओ। आज विकास जी का बर्थडे था है, मतलब आज विकास जी का बर्थडे है 28 अगस्त। 28 अगस्त आज 28 अगस्त है, आज विकास जी का बर्थडे है, विकास जी सबको ट्रीट देंगे, ठीक है। सो आप लोग कहाँ से लेंगे? आप लोग तो घर पे बैठे हैं। मेरा अगले साल भी आएगा, फिर देंगे, ठीक है। इंटरेस्ट जोड़ते रहो। आइए, कैपिटल गेन में सर सेल प्राइस माइनस परचेस कॉस्ट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सेल प्राइस को ये लोग एफवीसी बोलता है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। बायर अरेंज करना है ना आपको अपना एसेट के लिए, आपको अपना एसेट के लिए बायर अरेंज करना है तो दलाल के थ्रू जाना पड़ता है, तो दलाली लगता है, ब्रोकरेज, वो माइनस हो जाएगा, नेट कंसिडरेशन आएगा। उसमें से आपने जितना में खरीदा था वो माइनस हो जाएगा। लोग क्या करते हैं खरीदने के बाद, मैंने एक ज्वेलरी खरीदा था गोल्ड का, अब मैं उसमें डायमंड्स लगवा रहा हूं, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, एडिशन, एनी एडिशन टू द एसेट, इज दैट फाइन? वो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माना जाएगा। तो आएगा क्या? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर मैंने कुछ बेच के कुछ खरीदा है या कुछ किया होगा तो मेरे को एग्जेम्पशन भी मिलेगा, फिर मेरा आ जाएगा टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बात समझ में आती है मेरी सबको? हाँ, इज दैट फाइन? लेट अस स्टार्ट। इलस्ट्रेशन वन, आपने खाली क्वेश्चन पढ़ना और कुछ नहीं करना। आपने खाली क्वेश्चन पढ़ना है। सर गोल्ड रिंग बताओ, ज्वेलरी में आएगा ना, तो ज्वेलरी कैपिटल एसेट है, पर्सनल मूवेबल होने के बावजूद भी ये कैपिटल एसेट माना जाता है, यस और नो? वेरी गुड सर। कब खरीदा है? 17 अगस्त 2017 को। अच्छा, ज्वेलरी में पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक, अब कैपिटल एसेट है तो उसके बाद पीरियड ऑफ होल्डिंग, यस और नो? कैपिटल एसेट है उसके बाद पीरियड ऑफ होल्डिंग। 12 महीना चेक करेंगे, 36 महीना कि 24 महीना? 36 महीना चेक करेंगे, 36 महीना या उससे कम हुआ तो शॉर्ट टर्म, मोर देन 36 मंथ्स हुआ तो लॉन्ग टर्म। अगस्त 17 में खरीदा है, राइट? मई 18 में उसमें एक डायमंड लगवाया तो ये इंप्रूवमेंट हो गया, ये हो गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, हाया ना? डायमंड जो लगवाया ये हो गया कॉस्ट ऑफ COI, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। और फिर अगस्त 18 में इसको बेच दिया और कस्टमर अरेंज करने में दलाली लगी है, हाँ? तो सर इसका सफर क्या था? हमेशा ये टाइमलाइन बनाना, 17 अगस्त 17 को एक्वायर, फिर मई में इंप्रूवमेंट, और फिर अगस्त में, सॉरी 18 होगा, अगस्त 18 में सोल्ड। 17 अगस्त 17 को खरीदा, 1 मई 18 को इंप्रूवमेंट किया और अगस्त 18 में बेच दिया, इज दैट फाइन? हाँ, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से कहां होगा? डेट ऑफ परचेज से लेके डेट ऑफ सेल तक, बीच में जो इंप्रूवमेंट किया उससे पीरियड ऑफ होल्डिंग में कोई असर नहीं आने वाला है। तो सर साफ दिख रहा है 36 महीना नहीं हो रहा है, ये गैप इज लेस देन 36 मंथ्स, तो कौन सा एसेट हो गया ये?
शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। हाँ यस और नो, इज दैट फाइन? हाँ या ना? हाँ चलिए आइए। और करेंट ईयर में बेचा तो इसी साल में टैक्सेबल होगा कैपिटल गेन, ठीक है? आइए सॉल्यूशन क्वेश्चन वन का सॉल्यूशन। सबसे पहले नेचर बताओ, कैपिटल एसेट है, ठीक है? दूसरा टैक्सेबिलिटी, कैपिटल गेन विल बी चार्जेबल टू टैक्स इन द प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टू प्लेस, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में बेचा है। अब बताएंगे पीरियड ऑफ होल्डिंग, 17 अगस्त 17 से लेके 1 अगस्त 18 क्या हुआ? लेस देन 36 मंथ्स, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। हाँ या ना? पहला कैपिटल एसेट है कि नहीं? यस सर, गोल्ड रिंग इज अ कैपिटल एसेट, ज्वेलरी में आता है। कौन से साल टैक्सेबल होगा? इसी साल टैक्सेबल होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तब बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जैसे हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेशन का फॉर्मेट फिक्स था, यहां पर भी कैलकुलेशन का फॉर्मेट फिक्स्ड है। पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज। इज दैट फाइन? सबको समझ में आ रहा है? हाँ एफ वी सी मतलब सेल प्रोसीड्स, कितना में बेचा? हाँ अस्सी हजार। बेचते वक्त एक्सपेंसेस फॉर ट्रांसफर कितना लगा? सॉरी नेट कंसिडरेशन 75,000, नेट कंसिडरेशन 75,000, डन। लेस नंबर वन सीओए कितना है? अक्वायर कितना में किया था? 20,000। सीओआई कितना आ रहा है? कुछ बोला थोड़ी है, कुछ खरीदा है, बेच के उस पैसे से थोड़ी कुछ खरीदा, तो यही पे खत्म कर देंगे, यही हो जाएगा टैक्सेबल। एग्जेम्पशन है ही नहीं। कितना टफ था बताओ? हाँ यस और नो?
बोलो आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म का फॉर्मेट कॉपी करो जल्दी से। सर सेम फॉर्मेट है, इंडेक्सेशन, इंडेक्स्ड, राइट। एडजस्टेड विथ सेल ईयर प्राइस लेवल, हाँ इंप्रूवमेंट भी और एक्विजिशन भी, दोनों को सेल ईयर प्राइस लेवल से एडजस्ट करेंगे। आज से 10 साल पहले अगर कोई चीज खरीदा हुआ है तो गवर्नमेंट के हिसाब से इन्फ्लेशन रेट गवर्नमेंट का हर साल हो चुका है, 5 में पता है ना इन्फ्लेशन क्या रेट था, तो उसे गवर्नमेंट एक इंडेक्सेशन निकालते। तुम लोग इंडेक्स नंबर पढ़ा होगा, पास्ट ईयर को करेंट ईयर का फिगर में लाके देन यू आर कंपेयरिंग, राइट। फॉर्मेट वही है, बस खाली इंडेक्सेशन होगा और एग्जेम्पशन का लिस्ट में और थोड़ा चीज बढ़े जा रहा है। वहां पे कुछ कम था, यहां पे और एक दो सेक्शन बढ़ गया। बाद में बात करेंगे एग्जेम्पशन का, अभी बात ही नहीं करेंगे। जिस साल बेचा ना, ट्रांसफर जिस दिन हुआ, उस साल का प्राइस लेवल में लाना है। अभी मान लो कोई एसेट मेरा 40 साल पुराना है, इंडेक्सेशन 40 साल पुराने से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 2001-2 से स्टार्ट हो रहा है, 2001-2002 दिस इज द फर्स्ट इंडेक्सेशन 100, उस हिसाब से इंडेक्सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो अगर कोई पहले का होगा तो माना जाएगा उसका 2001-2 इज द परचेज डेट, क्योंकि उसके पहले इंडेक्सेशन नॉट पॉसिबल। इज दैट फाइन? हैव यू ऑल फॉर कॉपीड द फॉर्मेट? फॉर्मेट एक बार चेक करो जल्दी से, चेक द फॉर्मेट फास्ट। कॉपी कर लिया? हाँ या ना? अब इसमें कुछ कुछ बात हम आपको बताना चाहते हैं। नोट्स नीचे लिखिए, नोट्स। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, राइट, इनटू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू सीआईआई, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, मतलब जिस साल सेल हुआ है, डिवाइडेड बाय सीआईआई ऑफ द ईयर ऑफ परचेज, और 0102 विच एवर इज लेटर। अगर 2001 के बाद खरीदा है तो बाद वाला सीआईआई लेंगे, अगर उसके पहले खरीदा है तो 2001-2 वाला सीआईआई लेंगे। इज दैट फाइन? हाँ बोलो। क्या ठीक है? बरोबर है? नोट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट
cost of improvement into CII of the year of transfer divided by CII of the year of improvement. सर यहां पे आपने 0102 नहीं लिखा, बिकॉज एनी इंप्रूवमेंट बिफोर 1 अप्रैल 2001 इज आई जी एन ओ आर ई डी. यस और नो? अभी ध्यान से देखो, हो गया नोट. मान लो 77-78 में हमने एसेट खरीदा है, एक्वायर किया है, ठीक है, कितने में? 20,000 में. तो और बेचा कब? 18-19 में, ठीक है. तो मेरे को इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना है. अच्छा, इंडेक्सेशन स्टार्ट होगा 0102 से, सबको पता है. तो बताओ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 20,000, कॉपी मत करना, इनटू सीआईआई ऑफ 18-19 डिवाइडेड बाई सी आई आई ऑफ 77-78 एंड 0102 विच एवर इज लेटर. तो 0102 होगा. यस और नो? तो सर कॉस 77-78 का इंडेक्सेशन 0102 का, आप तो बोले थे कि उस वाला समय का प्राइस को आज के लेवल में लाना है, तो ये तो यहीं पे मिसमैच हो जा रहा है. क्या 77-78 का प्राइस 2001-2 में सेम था? चार साल तक एक्चुअल में तो इन्फ्लेशन हुआ होगा, बट हमारे पास लॉ में बोला 0102 से स्टार्ट करने हैं, राइट? सुनो मेरा बात, कानून क्या बोलता है? जिस साल, अगर आपका ये वाला केस है, अगर आपने एसेट अक्वायर किया है, एसेट अक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001, अगर बाद में अक्वायर किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर पहले अक्वायर किया है, राइट, अगर आपने पहले अक्वायर किया है तो आप क्या करेंगे? एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/01, दोनों में जो हायर होगा ना, दैट विल बी रिगार्डेड एज योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. तो 1/4/81 का फेयर मार्केट वैल्यू है 1,00,000 रुपया.
तो योर करेक्ट आंसर शुड बी दोनों में जो हायर है दैट इज 1 लाख. तो ये जो फेयर मार्केट वैल्यू है दिस इज ऑफ विच ईयर, 0102 बेस में 0102, यू आर ब्रिंगिंग इट टू करंट लेवल. ये एक बेनिफिट है, ये नाइंसाफी है बहुत. आप मेरे को दो ना 77 78 का इंडेक्सेशन, दो क्यों नहीं दे रहे हो, दो ना दो भैया. प्रियडा होल्डिंग यहां से कैलकुलेट होगा पूरा लंबा, लेकिन इंडेक्सेशन का बेनिफिट आप यहां से दे रहे हो और बोलते कॉस्ट ये वाला लो, नहीं होगा. विच एवर इज हायर लेंगे. कॉपी करो इसको. इफ एसेट इज अक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001, डू इट फास्ट. यस और नो, आइए. ठीक है, ये रहा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स. एग्जाम में दे देगा, करेंट ईयर वाला याद रखिएगा. 280 और यहां से तो स्टार्ट हो रहा है, 100 ही होगा.
राइट जब भी हम लोग सम करेंगे हम लोग यहां से रेफरेंस ले लेंगे, याद करने का दरकार नहीं, हालांकि जब आप रिगरस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कुछ कुछ याद हो जाएगा। मैंने बता दिया आपको राइट। आइए इलस्ट्रेशन टू स्क्रीन दिखाओ एक बार। सर मेरे पास गोल्ड है, ज्वेलरी में ही आएगा, जरूरी नहीं कोई वियरिंग अपेरल हो, रिंग हो, जैसे लूज डायमंड्स भी ज्वेलरी माना जाता है। कोहिनूर का हीरा राइट, जो भी। तो हमने गोल्ड बेचा है, ज्वेलरी है, नो प्रॉब्लम। करेंट ईयर में बेचा है 13,50,000 में। हमने 20 अगस्त को इसको 4,00,000 में खरीदा था, मतलब 1/4/2001 के पहले। हाँ या ना, 1/4/2001 के पहले। तो हमारे पास ऑप्शन है एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू। कौन से दिन का? 1/4/2001 वाला। देखो फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 का 360 था, तो कौन सा लेंगे हम? बेटर क्या है, 4,00,000 लेंगे तो ज्यादा कॉस्ट का बेनिफिट मिलेगा ना। तो सरकार ने बोला कि आपके ऊपर में, आप कॉस्ट भी ले सकते हैं, आप चाहें तो फेयर मार्केट वैल्यू भी ले सकते हैं, हायर लेंगे हम। मेरे को इनकम टैक्स कंप्यूट करने बोला है, क्या है, स्टार्ट करें? हाँ या ना? अच्छा, इंडेक्सेशन अपने को बीच वाला चाहिए ही नहीं कुछ भी, वी डोंट रिक्वायर एनी इंडेक्सेशन बीच वाला, सीधा डायरेक्ट करेंगे हम लोग। आइए क्वेश्चन टू, नेचर ज्वेलरी, ठीक है, कैपिटल एसेट। टैक्सेबिलिटी राइट, कैपिटल गेन इज टैक्सेबल इन प्रीवियस ईयर 18-19, पीरियड ऑफ होल्डिंग अंडर सेक्शन 242A। कहां से कहां तक बोलो? 20 अगस्त 2000, इंडेक्सेशन से फर्क नहीं पड़ता, जिस दिन खरीदा, और अच्छा 36 महीना चेक होगा ना, ज्वेलरी है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, सॉरी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा ना, एसेट तो है ही एक। Is that fine? All okay? आइए full value of consideration कितना में बेचा बेटा?
13,50,000 में, ठीक है ना। हाँ या ना, ठीक है, लेस, एक्सपेंसेस फॉर ट्रांसफर कुछ नहीं लगा ना, कोई ब्रोकर वगैरह अरेंज करना नहीं पड़ा मेरे को, मतलब कस्टमर अरेंज करने के लिए ब्रोकर को अपॉइंट नहीं करना पड़ा। नेट कंसिडरेशन, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बोल भाई क्या लेगा। 1481 के पहले खरीदा है 4,00,000 और 3,60,000 विच एवर इज हायर, तो क्या लेगा। न्यूमरेटर में कौन से साल का सीआईआई लेता है, करेंट ईयर का, जिस साल बेचा है, ईयर ऑफ ट्रांसफर, याद रखना। ठीक है, 2000-2001 में हमने खरीदा था 4,00,000 में, और 14-2001 का फेयर मार्केट वैल्यू है 3,60,000, दोनों में जो हायर होगा वो ले लेंगे, तो 4,00,000 ले लिया कॉस्ट। अब इनटू सीआईआई ऑफ द ईयर ऑफ 1819, तो हमने बताया था 280 है, जिस साल बेचा है हमने, और डिनोमिनेटर में क्या लेंगे, ईयर ऑफ परचेज और 0102, तो ईयर ऑफ परचेज है 2000-2001 और 0102 विच एवर इज लेटर, तो 0102 100 कितना आ रहा है बोलो, 112000, और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इस सब में है नहीं, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया कितना, 2,30,000, इज दैट फाइन। हम सबको समझ में आ रहा है ना आपको, आंसर देखिए, कितना अच्छे से मैंने समझाया देख लो। इज दैट फाइन, इधर हाथ करने से उस बोर्ड आता है, तुम लोग की तरफ में बोर्ड इधर है स्क्रीन में इधर है, एनीवेज पता चल जाएगा हम लोग के पास कैसा सेटअप है। इज दैट फाइन, लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट। वाओ सर, वाओ वाओ, व्हाट इलस्ट्रेशन 3। मिस्टर आनंद ने हाउस प्रॉपर्टी खरीदा है, ओ पहले हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है सीए, अच्छा यहां पे वो फेयर मार्केट वैल्यू वाला अप्लाई नहीं करेगा क्योंकि 0102 के बाद में खरीदा है, 14-2001 के बाद खरीदा है, तो जो एक्चुअल कॉस्ट होगा वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना पड़ेगा, तो 5,00,000 मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया।
हमने एक नया फ्लोर कंस्ट्रक्ट किया था, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हो गया और हमने बेच दिया इसको और ये हमारा ब्रोकरेज लगा है। फॉर्मेट में जो जो चाहिए सब मौजूद यहां पे है, फॉर्मेट में जो जो चाहिए सब मौजूद है यहां पे बेटा। तुम सॉल्यूशन क्यों देख रहे हो? हम तुमको कोई सॉल्यूशन यहां दिया हो तो तुम सॉल्यूशन देखेगा? हाँ कैसा बच्चा है, पूछो मत हमको, मेरा सुनो और सुनने के बाद अगर डाउट हो तो पूछो वहां से। अरे बहुत डाउट्स आते हैं, कितना मैं खुद कॉल व्हाट्सएप में टाइप करते करते मेरा हाथ दर्द होने लग जाता है, मेरा आंख का थोड़ा पावर कम हो गया है, देन आई हैव टू कॉल दैट स्टूडेंट एंड क्लियर करना पड़ता है क्योंकि आई कैन नॉट ना, व्हाट्सएप में मैं इतना टाइप नहीं कर सकता। एक येस और नो में डाउट क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है? इफ इट इज कंटिन्यूइंग देन आई हम कॉल कर लेते, उसमें ईगो का क्या बात है, हम कॉल करके हम खुद बच्चों को पूछते हैं, हम खुद पूछते हैं बच्चों को, बोलो आपका क्या डाउट है भाई, पैसा लिए उस चीज का, समझो चीज को। एनीवेज सर्विस है ना, आगे जाके ज्यादा चार्ज कर पाएंगे तो आप लोग भी विलिंगफुल देंगे कि हाँ ठीक है बंदा 300 रुपये बढ़ाया है चलो, इसे बढ़ेगा इन फ्यूचर, अगर ऐसा सर्विस मिलेगा कहीं तो सर्विस का ही तो दाम होता है ना बेटा, पैसा नहीं मिलेगा तो सर्विस दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। आइए जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को समझ में आ गया होगा कि फीस बढ़ने वाला है। एनीवेज चलिए तो हम लोग करते हैं इस सम को, आप लोग डेट्स वगैरह याद रखिएगा। सर एक काम करिए, आप एक काम करिए, तो आप इसको ना, सर ऐसे चीटिंग हो रहा है, सर ये नहीं चलेगा, कुछ भी बोलो हमको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है तुम लोग का आवाज, आई कैनॉट हियर यू। सर आप तो ब्लैंक फॉर्मेट एग्जाम में कॉपी करके ले जाते हैं, यस हम लोग ऐसे ही करते थे, स्पेशली CIA में तुम लोग भर भर के चीटिंग करते थे, कला नहीं है तुम्हारे में, ठीक है। सर नेचर में है आपका हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, तो इट्स अ कैपिटल एसेट, टैक्सेबल इन द ईयर 18-19, ठीक है 18-19 में टैक्सेबल है ना, कब बेचा है? 1st अक्टूबर 2018 में बेचा है, तो 1st अक्टूबर 2018 तो 18-19 में ही आ रहा है ना बेटा, तुम्हारा एग्जाम में ये करेंट ईयर है तो तुम्हारा जितना भी सम आएगा ना उसमें ट्रांसफर इसी साल होगा, नहीं तो वो टैक्सेबल ही नहीं है, तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं बनाएगा फिर तो, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? 17 अगस्त से लेके 1 अक्टूबर, ठीक है चलो, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा 17 अगस्त 2002 से लेके 1 अक्टूबर 2018, अच्छा इसमें मोर देन 36 मंथ्स, कितना महीना चेक, 24 चेक होगा, वेरी गुड, मोर देन 24 मंथ्स, सो लॉन्ग टर्म हो गया। हाँ लैंड एंड बिल्डिंग में तो हाउस प्रॉपर्टी है ना, क्या बात कर रहा है बेटा, ऐसे बार बार ये सब पूछाएगा तो हमसे नहीं होगा भाई, ठीक है। आइए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है, 18 लाख, एक्सपेंस फॉर ट्रांसफर इज हाउ मच, एक बार दिखाओ स्क्रीन दिखाओ जल्दी से, 2% ऑफ 18 लाख, यस और नो, 2% ऑफ 18 लाख बोलो, 36,000 कितना आ रहा है, 17,64,000, हाँ या ना, बोलिए
कितना में खरीदा आपने? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 5 लाख, ठीक है। सीआईआई ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर इज 280 डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखिएगा, इधर देखिए, सभी को ही देखिए, 17 अगस्त 2000 है ना, 2002 सॉरी, तो 0203, ठीक है ना, 17 अगस्त 2002 मतलब डेट वाइज इंडेक्स नंबर नहीं होता, पूरे साल का दे देगा इंडेक्सेशन, राइट। तो आइए हम लोग को चार्ट चेक करना पड़ेगा, हम लोग को 105, अच्छा इंप्रूवमेंट कौन से साल में उसका भी ले लेते हैं, क्वेश्चन तो यही है। अच्छा हाँ, इंप्रूवमेंट हुआ है 154 को, 45, ठीक है, तो 105 और 113, ठीक है। तो यहां पर लेंगे हम लोग 105, तुम देखो ना, ये ना हमको मत बोलो ये सब चीज, समझा, इंप्रूवमेंट कितना है, 2.5 लाख इंटू ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाई 113, दोनों कैलकुलेट करके फिगर बताओ। विकास हम लोग का कैलकुलेटर कहाँ है, ये रहा नीचे है, हम लोग के पास भी कैलकुलेटर है, वी ऑल्सो हैव द कैलकुलेटर, सो 5 लाख डिवाइडेड बाई 105 इंटू 280, ज़्यादा आ रहा है भाई, 13,33,333, ओके, 2,50,000 डिवाइडेड बाई 113 इंटू 280, 619, 469, वन नाइन फाइव 2,802 माइनस 17 लाख, वन ट्रिपल 8,02 1,88,02 भाई, गेन की गेन लिख के नेगेटिव दिखा दिया, यही आंसर है क्या, नहीं लॉस में कैसे एग्जेम्पशन, मतलब पार्ट ऑफ द इनकम इज गेटिंग एग्जेम्प्टेड, हाउ कैन, ठीक है डन, आइए दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अगर किसी को गिफ्ट में मिला है कोई चीज, राइट, तो हमको तो फ्री में मिला, तो मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या माना जाएगा, काफी सारा मुद्दा है, मेरे लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से माना जाएगा, मेरा इंडेक्सेशन कहां से होगा, काफी सारा सवाल है मेरे बीच में, तो उन सब का जवाब मैं लेके आया हूं आपके सामने, ये रहा शॉर्ट में पूरा समझाया हुआ है,
बोला मेरे लिए जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर लिया जाएगा। इंप्रूवमेंट मेरा भी लिया जाएगा, प्रीवियस ओनर का भी लिया जाएगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग में प्रीवियस ओनर के पास में जितना दिन था वो भी मेरा पीरियड ऑफ होल्डिंग में ऐड हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ओनर, पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर से, इंडेक्सेशन करेंट। इज दैट फाइन? हा आइए एक सम मैं आपको कराता हूं और इंशाल्लाह अगर भगवान ने साथ दिया वही आपके एग्जाम में आएगा। सीख रहा है वो कमी नहीं है तुम में, रिफंड का तुमको पड़ा है कि नहीं आया तो रिफंड। हाँ जान दे दे रहे हैं अपना। ठीक है, दुआ करिए जिसको ही मानते राम रहीम ईश्वर अल्लाह, अगर आ गया तो भाई हीरो बन जाएगा। ठीक है आइए, फर्स्ट जुलाई स्टोरी सुन लो फटाफट। क्वेश्चन को जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, ये वाला क्वेश्चन 49-1 वाला, गिफ्ट का गिफ्ट में मिला है हमको, तो ऐसा टाइमलाइन बना लेना, क्वेश्चन पढ़ते जाना टाइमलाइन बनाते जाना। ठीक है, इज दैट फाइन? अच्छा फर्स्ट जुलाई 79 को हमने अक्वायर किया है 30,000 में। हम कौन? मिस्टर एक्स। फर्स्ट अगस्त 80 में इंप्रूवमेंट हुआ है। इंप्रूवमेंट को आई बोल के लिखते हैं, IMP, इंप्रूवमेंट। 10,000 रुपया लगा। अच्छा फर्स्ट अप्रैल 01 का फेयर मार्केट वैल्यू दे दिया है, क्वेश्चन में दे देगा। ₹1,00,000। ठीक है हाँ, इज दैट फाइन? फर्स्ट जुलाई 02 को हमने एक इंप्रूवमेंट किया 50,000 का। फर्स्ट सितंबर 05 को हमने एक अग्रीमेंट किया फॉर सेल, बट सामने वाला अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पाया तो एडवांस मनी फॉरफिटेड ₹40,000। कोई सेल का एग्रीमेंट किया होगा कि हम अपना प्रॉपर्टी तुमको बेच देंगे। ठीक है फाइनली फाइनली फर्स्ट अक्टूबर 2009 को गिफ्टेड टू मिस्टर वाई। वाई ने 11th दिसंबर 2012 को एक इंप्रूवमेंट किया
60,000 का, फिर 30 सितंबर 2014 को वही किसी के साथ हमने भी एग्रीमेंट किया सेल का, बट एडवांस मनी फॉरफिटेड। ₹30,000 फाइनली फर्स्ट मई 18 को सोल्ड फॉर रुपीज 25 लाख। और दिसंबर 2018 में परचेज कर लिया न्यू हाउस, अच्छा घर खरीदा था, रेसिडेंशियल हाउस, परचेज्ड न्यू हाउस फॉर 13 लाख। डेट वाइज हमने प्लानिंग प्लॉटिंग कर लिया है, ठीक है हाँ या ना बोलो। जो लोग भी कॉपी कर लिए यहां पे, सब कोई, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, अगर उन लोगों का कॉपी नहीं हुआ है तो वो लोग पॉज करके वीडियो को देखें, राइट। इसमें मैंने काफी सारा चीज कवर अप किया है, राइट। इट्स नॉट नेसेसरी, सब कुछ पूछेगा, ध्यान से देखिएगा। एक बार हम लोग वो देख लेते हैं वो वाला पार्ट, बार बार डिलीट हो जा रहा है। ठीक है, बरोबर है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ओनर का, अच्छा एक्स जब वाई को गिफ्ट किया वो एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर है, कब 2009 में गिफ्ट किया ना, हाँ, तो उस समय एक्स को कोई टैक्स नहीं देना पड़ा होगा, लेकिन अब वाई किसी आउटसाइडर को बेच रहा है, सो नाउ ही विल गिव टैक्स। तो सर उसको तो फ्री में मिला, तो उसका कॉस्ट प्रीवियस ओनर का कॉस्ट, राइट। वाई का जो कॉस्ट माना जाएगा दैट विल बी कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, दैट इज एक्स। क्लियर? वाई का प्रीड ऑफ होल्डिंग में एक्स का प्रीड ऑफ होल्डिंग भी इंक्लूड होगा। इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का जो इंप्रूवमेंट है वो जिस साल हमको मिला उस साल से, कॉस्ट
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का जो इंडेक्सेशन है, सॉरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का जो इंडेक्सेशन है वो करंट ईयर से होगा। इंप्रूवमेंट दोनों का लेना है, दोनों का रेस्पेक्टिव ईयर से लेंगे। जरूरी नहीं है कि हमको अभी मिला तो अभी से इंप्रूवमेंट का भी। इंडेक्सेशन ऑन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। सो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ओनर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मेरा पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर का पीरियड ऑफ होल्डिंग। इंडेक्सेशन जब से हमको मिला, इंप्रूवमेंट दोनों का लेना है, रेस्पेक्टिव ईयर से लेंगे, जैसा जब इंप्रूवमेंट हुआ था। प्रीवियस ओनर किया होगा तो वहां से लेंगे, हम किए होंगे तो जहां से होगा वहां से। खाली इंडेक्सेशन ऑन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करेंट ईयर का है, इंप्रूवमेंट दोनों का लेना है और जिसका जहां से है वहां से लेंगे। इज दैट फाइन? हाँ, फिर से हमको बताओ, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या माना जाएगा? प्रीवियस ओनर। मेरा पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर। इंप्रूवमेंट दोनों का लेना है, जहां से है वहां से लेना है, हाँ, इंडेक्सेशन। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का इंडेक्सेशन जब से हमको मिला, राइट? पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर बोल दिया, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नेचर, रेसिडेंशियल हाउस क्या है? ये कैपिटल एसेट है, या ना? टैक्सेबल कौन सा साल में होगा? टैक्सेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन इन द प्रीवियस ईयर 18-19, जब वाई बेचा। हाँ, हम लोग क्या निकाल रहे हैं? इनकम ऑफ किसका? वाई का, क्योंकि एक्स के लिए ये क्या है? एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर। पीरियड ऑफ होल्डिंग अंडर सेक्शन 242A, बोलो वाई का, वाई खरीदा कि गिफ्ट में मिला है, तो एक्स से काउंटिंग होगा इसका। हाँ या ना? कब से काउंटिंग होगा? एक्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग, एक्स कब खरीदा था? 1779, यहां से लेके 1518, और कितना महीना चेक करेंगे? 24 महीना। रेसिडेंशियल हाउस है ना, सो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मोर देन 24 मंथ्स। पॉइंट नंबर डी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अंडर सेक्शन 49(1), कॉस्ट टू वाई विल बी कॉस्ट टू एक्स। मेरा कॉस्ट क्या माना जाएगा? कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर। और प्रीवियस ओनर कब एक्वायर किया है? 1/4/2001 के पहले। आज अगर प्रीवियस ओनर बेचता तो प्रीवियस ओनर को वो 1481 और एक्चुअल कॉस्ट का बेनिफिट मिलता ना। मेरा कॉस्ट, कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर। नाउ प्रीवियस ओनर कब एक्वायर किया है? 1/4 कब? 1/4 के पहले। हाँ या ना? कब एक्वायर किया? इसके पहले। तो क्या होगा? दोनों में जो हायर है, कौन सा हायर है? एक्चुअल कॉस्ट और 1481 का क्या होगा? बोलो, 1,00,000। इज दैट फाइन? बोलो, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग कर दिया। ठीक है, मेरा कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर, क्योंकि हमको गिफ्ट में मिला है। और कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर कब खरीदा? 1/4/2001 के पहले।
तो ऑटोमेटिकली बेनिफिट मिल जाएगा. इज दैट फाइन? हाँ बोलो क्या. इनकम वाई का निकल रहा है, उसके लिए वाई को तो गिफ्ट में मिला है, तो वाई का कॉस्ट क्या माना जाएगा? जो कॉस्ट एक्स का है, तो एक्स का कॉस्ट क्या है? 30. लेकिन 1/4 2001 के पहले खरीदा है, तो फेयर मार्केट वैल्यू वाला ऑप्शन मिल जाएगा ना, कि 1/4 2001 का जो फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल कॉस्ट दोनों में जो हायर है वो एक्स का कॉस्ट, और वही कॉस्ट वाई के लिए भी माना जाएगा. अगर एक्स बेचा होता तो इंडेक्सेशन कब से होता? 0102. लेकिन अब इंडेक्सेशन क्या होगा? जिस साल वाई को मिला, कौन सा साल है ये? 2009, अक्टूबर 9. तो सर यहां पे भी तो डिस्पैरिटी आ रहा है, बट कुछ कर नहीं सकते. हमने बताया था ना, देखो ना, इस दिन का कॉस्ट तुम फेयर मार्केट वैल्यू 1480 1/4 2001 ले रहा है ना. फेयर मार्केट वैल्यू कौन सा दिन का ले रहा है? 1/4 2001. और इंडेक्सेशन गिफ्ट के केस में करेंट डे से स्टार्ट होगा. जिस साल वाई को मिला है, तो वाई को कब मिला? 2009 10. तो डिस्पैरिटी आ रहा है ना, तो बट कुछ कर नहीं सकते. जिस चीज के लिए ये प्रोविजन को लाया गया, ये हायर वाला, वो प्रॉब्लम तो वापस से अराइज हो रहा है गिफ्ट के केस में, लेकिन लॉ में लिखा है, कुछ कर नहीं पाएंगे. इज दैट फाइन? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सबको समझ में आ रहा है ना? बोलिए. हाँ क्लियर. अब मेरा बात ध्यान से सुनो. ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एक्स आया, ये कॉस्ट टू वाई माना जाएगा. अभी रूल क्या है? अगर आपने कोई भी एडवांस मनी फॉरफिट किया है, दैट विल बी रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. तो सर एडवांस मनी तो प्रीवियस ओनर भी फॉरफिट किया और हम भी किए हैं, खाली एसएससी वाला माइनस होगा. एडवांस मनी फॉरफिटेड बाई दी एसएससी, नॉट बाई द प्रीवियस ओनर. एसएससी अभी वाई है, ठीक है? लिखिए, एडवांस मनी फॉरफिटेड एडवांस मनी फॉरफिटेड बाय द एसएससी, एडवांस मनी फॉरफिटेड बाय द एसएससी शैल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम एडवांस मनी फॉरफिटेड बाय द एसएससी शैल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम shall be reduced from cost of acquisition shall be reduced from cost of acquisition and then indexation shall be done. Shall be reduced from cost of acquisition and then indexation shall be done.
ठीक है, राइट। अभी इसमें एक चेंजेस आया था, अच्छा फुल स्टॉप देने के बाद लिखो एडवांस मनी फॉरफिटेड बाय द प्रीवियस ओनर शैल बी इग्नोर्ड। एडवांस मनी फॉरफिटेड बाय द प्रीवियस ओनर शैल बी इग्नोर्ड। अब मेरा बात ध्यान से सुनो, ठीक है, प्रीवियस ओनर वाला कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा अगर हम फॉरफिट करेंगे, राइट। इफ आई फॉरफिट आई विल रिड्यूस इट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसमें चेंजेस क्या आया है, असेसमेंट ईयर 15-16, असेसमेंट ईयर 15-16 मतलब प्रीवियस ईयर 14-15 में एक चेंज आया था कि एडवांस मनी फॉरफिटेड विल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो सर अभी तो आप बोले कि कॉस्ट से माइनस करो, अमेंडमेंट कब आया था 14-15 में, तुम्हारे सम में तुमने एडवांस मनी, अच्छा 14-15 में ही किया है, ठीक है, हाँ यस और नो। तो तुमको क्या करना चाहिए था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लेना चाहिए था। लेकिन बहुत जन क्या करता है, वो लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उसको नहीं कंसीडर किया हुआ है। सो इन दैट केस अगर तुम 14-15 में इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कंसीडर नहीं किया, राइट, इन सच अ सिचुएशन यू विल रिड्यूस इट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और अगर तुमने इसको बोलो लिया है तो फिर तुम यहां पे उसको डिडक्ट नहीं कर सकता, राइट। एनीवन, तो एग्जाम में ऐसे लिख कर देगा कि एडवांस मनी फॉरफिटेड हैज नॉट बीन एडजस्टेड और हैज नॉट बीन कंसिडर्ड एज इनकम इन पास्ट ईयर्स, तो फिर उसको यहां एडजस्ट करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के साथ। तो हम लोग को एग्जाम में क्या करना है, अभी मैं इसको एडजस्ट करके करवाऊंगा, अभी आई विल एडजस्ट बिकॉज आई हैव टू शो यू बोथ द ट्रीटमेंट्स, राइट। 14-15 है, हमको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लेना चाहिए, बट मैं एक बार आपको एडजस्ट करके करवाऊंगा एंड उसके बाद आपको दोनों करना। तो हमको एग्जाम में क्या करना है सर, सुनो, अगर 14-15 के पहले का है एडवांस मनी फॉरफिटेड, तो इसका मतलब तुम उसको इनकम नहीं कंसिडर किया है, यू आर कीपिंग इट इन योर बैलेंस शीट। सो जब तुम बेचेगा तब तुम उसको एडजस्ट करेगा, यस और नो। और अगर 14-15 के बाद से है एडवांस मनी फॉरफिटेड, इट्स बेटर कि तुम ये अज्यूम करेगा दैट यू हैव कंसिडर्ड इट एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड हेंस यू विल नॉट एडजस्ट इट हियर। इज दैट फाइन, राइट। अभी हमने जो लिखा है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, क्या लिखा है, एडवांस मनी फॉरफिटेड, पढ़ो तो एक बार, एडवांस मनी फॉरफिटेड बाय द एसएससी शैल बी रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड देन इंडेक्सेशन शैल बी डन, और प्रीवियस ओनर का एडवांस मनी को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला, असेसमेंट ईयर 15-16 मतलब प्रीवियस ईयर 14-15, वहां पर अमेंडमेंट आया था दैट एनी एडवांस मनी फॉरफिटेड, हाँ, कोई भी एडवांस मनी आपको मिला है एंड आपका नेगोशिएशन कन्वर्ट नहीं हुआ सेल में एंड आपने फॉरफिट कर लिया है, यू शुड ट्रीट इट एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इन दैट केस यू कैन नॉट एडजस्ट इट हियर, बट हम मानते हैं कि हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ट्रीट नहीं किया है, सो नाउ आई वॉन्ट टू एडजस्ट इट। इज दैट क्लियर, सिंपल लॉजिक है। अगर आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एडजस्ट कर लिया है तब आप यहां एडजस्ट नहीं कर सकते कॉस्ट को, अगर आप नहीं किए हैं देन यू कैन एडजस्ट। इज दैट फाइन, क्लियर एवरीवन। सो हम क्या करेंगे, माइनस कितना है एडवांस मनी फॉरफिटेड, 30,000, तो इसके लिए कॉस्ट कितना माना जाएगा,
70,000 ठीक है, इसके लिए कॉस्ट कितना माना जाएगा? 70,000 माना जाएगा। इज दैट फाइन? समझ में आ गया? हाँ, मेरे को आपको दोनों बताना है बोल के मैंने आपको एडजस्ट करके भी दिखा दिया, और अगर हमने कंसीडर कर लिया है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में तो यहां एडजस्ट नहीं करेंगे। उन लोगों को बोलो बात नहीं करने के लिए। डन, बरोबर है? हाँ, तो देखिए क्या क्या उड़ गया क्वेश्चन से। मैं काफी सारा चीज हल्का करूंगा थोड़ा। अभी हल्का क्या करना है? सर प्रीवियस ओनर का एडवांस मनी फॉरफिटेड से हमको मतलब नहीं है, आप ये हटा दीजिए। अच्छा, एनी इंप्रूवमेंट जो 01 02 के पहले हुआ वो तो वैसे भी हटेगा, हाँ या ना? कुछ कुछ इंफॉर्मेशन तो कूड़ा करकट था। हाँ अच्छा, इसमें हायर ये वाला आ रहा है तो ये उड़ जाएगा। ठीक है, ये वाला एडवांस मनी को हमने एडजस्ट कर दिया है, इसको उड़ा दीजिए। देखा सम कितना छोटा हो गया। आइए फटाफट करते हैं, अपने दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, यस और नो? आइए स्टेटमेंट, शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तुम लोग क्वेश्चन कॉपी किया है ना? इंडक्शन के बाद हमको काम लगेगा। बोलो, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना में बेचा है? 25 लैक्स लेस एक्सपेंसेस फॉर ट्रांसफर नहीं है तो नेट कंसिडरेशन 25 लाख लेस में। सबसे पहला इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एडवांस मनी एडजस्ट करके ये डिवाइडेड बाय सीआईआई ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर विच इज 280, और हमको जब मिला गिफ्ट का केस है ना, तो इंडेक्सेशन हमको जिस काल में मिला वहां से, तो कब गिफ्ट हुआ था मेरे को? 9-10 में। तो 9-10 का इंडेक्सेशन देखना पड़ेगा सर। 9-10 का इंडेक्सेशन हो गया आपका 148। और कौन कौन सा साल का चाहिएगा? एक्स इंप्रूवमेंट कब किया? प्रीवियस ओनर, प्रीवियस ओनर का इंप्रूवमेंट एक तो इग्नोर हो गया, एक और है ना, 1 जुलाई 2002, तो 2 3 105, और एक वाई वाला तो 200, तो 105, 148, 200। ठीक है, 148 ठीक है, हो गया 148। इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एक्स वाला भी लेंगे वाई वाला भी लेंगे। एक्स वाला बताओ, एक्स का इंप्रूवमेंट कितने का था? 50,000। एक्स का इंप्रूवमेंट था 50,000। एक बार दिखाते रहो, देखते रहो उसमें आ रहा है कि नहीं। डिवाइडेड बाय जहां से इंप्रूवमेंट हुआ वहां से। वाई का इंप्रूवमेंट बोलो, वाई का इंप्रूवमेंट 60,000 डिवाइडेड बाय 200। डन? हाँ बताओ, फिगर बताओ। 70,000 इंटू 280 डिवाइडेड बाय 148,
वन थ्री टू फोर थ्री टू, 50,000 डिवाइडेड बाई 2150235 घर बेच के घर खरीद लिया ना, तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 54। कितने का घर खरीदा है? 13 लाख। घर बेच के घर खरीद लिया, एग्जेम्पशन मिल जाएगा, तो टैक्सेबल LTCG एग्जेम्पशन उतना ही मिलता जितना इनकम है, तो इनकम सफिशिएंट है ना। विकास क्या कर रहे हो लोग, जाए भाई जल्दी से। इज दैट फाइन? हाँ, आंसर आ गया आप लोगों का? सो दिस इज द आंसर, समझ में आ गया? तो 14-15 के पहले होगा ना एडवांस मनी, तो मान लेना कि यू हैव नॉट कंसिडर्ड इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो रिड्यूस इट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और अगर आप 14-15 के बाद हुआ तो मान लेना कि इट हैज बीन कंसिडर्ड इन कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इन पास्ट ईयर, तो अभी एडजस्ट नहीं होगा। ठीक है, इनकम मान लिया, इनकम इंक्लूड कर लिया, इनकम ले लिया, तो अभी एडजस्ट नहीं होगा। इनकम नहीं कंसिडर किया तो एडजस्ट करना है। इज दैट फाइन? सो दिस इज इट, वी विल डू इट राइट। 15-16 वाला कौन सा नोट, वो अभी लिखना नहीं है, तुम खाली समझ लो, उसे अलग से कोई ऐसा थ्योरी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। हाँ, बस अगर इनकम कंसिडर कर लिया है पास्ट ईयर में तो एडजस्ट नहीं होगा। असेसमेंट है 15-16। हाँ, बुक में देखना दिया हुआ है एडवांस मनी फॉरफिटेड का ट्रीटमेंट, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है राइट। बुक है आप लोग